नमस्कार मित्रों, संदीप ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एफसीआई में जो वैकेंसी निकल रही है 4103 पदों पे, उसका फॉर्म किस प्रकार भरना होगा, आपको संपूर्ण डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो अब हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी स्क्रीन पे है, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। हम आपको यहाँ बता देते हैं ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, fci.government.in, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, आपने काफी बार देखा होगा कि ऑफिशियल वेबसाइट इसकी है fci.government.in। ठीक है, यही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, अथॉरिटी वेबसाइट है। और इस वेबसाइट के माध्यम से ही हम आपको बताएंगे कि एफसीआई में जो वैकेंसी निकल रही है उसमें सिलेबस क्या रखा गया है और आपके एग्जाम सेंटर कहाँ होंगे, संपूर्ण डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले यहां दिखा देते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट आपकी स्क्रीन पे है। अब हम आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन विभाग ने भेजा है वो हम आपको बता देते हैं, उसमें एग्जाम सेंटर कौन कौन सी पोस्ट आपको मिल रही है। तो फाइनली ये नोटिफिकेशन विभाग ने जारी कर दिया, मतलब आज ही नोटिफिकेशन जारी हुआ, टुडे मतलब आज को नोटिफिकेशन जारी हो गया। और इसमें टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज आपको कितनी मिल रही है, मैंने पहले बता दी है 4103 वैकेंसी आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही है। तो बम्पर वैकेंसी आई हुई है, वॉचमैन की पोस्ट के बाद एफसीआई की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट है, क्योंकि एफसीआई में वॉचमैन के लिए भी बम्पर पोस्ट निकली थी पिछले साल में, और इस नए साल में यहाँ आपको बम्पर वैकेंसी मिल रही है 4103 वैकेंसी। यहाँ डिटेल्स देख सकते हो, जोन वाइज रिक्रूटमेंट फॉर्म, यहाँ जोन वाइज जैसे नॉर्थ है साउथ है उनकी अलग अलग वैकेंसी, जैसे कि नॉर्थ जोन में हमारा राजस्थान आ रहा है, हरियाणा आ रहा है, पंजाब, दिल्ली, ये जो है नॉर्थ जोन के स्टेट हैं उनमें भी वैकेंसी है। और जो साउथ जोन के हैं, वेस्ट जोन के हैं, सभी राज्यों की ये वैकेंसी है, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, वैकेंसी किस पोस्ट के लिए निकल रही है, यहाँ देख सकते हो स्टेनोग्राफ है और ग्रेट टाइपिस्ट क्लर्क, यानी कि बहुत सारी पोस्ट आपको मिल रही है। पहले हम फोकस कर लेते हैं जोन वाइज वैकेंसी यहाँ नॉर्थ जोन की। तो नॉर्थ जोन में देख सकते हो वैकेंसी आपको कितनी मिल रही है, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे है। नॉर्थ जोन में आपको देख सकते हो पोस्ट मिल रही है 1999 यानी कि 2000 वैकेंसी आपको केवल नॉर्थ जोन में ही मिल रही है। कितनी वैकेंसी आपको मिल रही है नॉर्थ जोन में, 1999 वैकेंसी आपको यहाँ मिल रही है। वेतनमान देख सकते हो, वेतन आपको मिल रहा है 9300 से लेके 22940, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वेतन रखा गया है। और यहाँ आप डिटेल्स देख सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं साउथ जोन की। तो साउथ जोन में भी आपको टोटल ऑफ नंबर वैकेंसी 504 वैकेंसी साउथ जोन में आपको मिल रही है। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ देख सकते हो नेक्स्ट है हमारा वेस्ट जोन। तो यहाँ डिटेल्स आप देख सकते हो वैकेंसी संबंधित, टोटल ऑफ नंबर वैकेंसी 4000 से भी ज्यादा। ठीक है, आप यहाँ सिंपली समझ लेना। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके एग्जाम सेंटर कहाँ होंगे, क्योंकि एग्जाम सेंटर सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें दो एग्जाम होगी प्री, इसमें आपकी दो एग्जाम होगी प्री और मेन। हम बात करते हैं पहले प्री का, और प्री के बाद में हम आपको मेन एग्जाम के सेंटर कहाँ होंगे वो डिटेल्स इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। अभी आप देख सकते हो एग्जाम सेंटर संबंधित यहाँ दर्शाया गया है, यानी कि लिखा है द स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ एग्जाम सेंटर ऑफ फेज फर्स्ट, यानी कि जो फेज फर्स्ट की एग्जाम होगी उनके एग्जाम सेंटर कहाँ होंगे, सभी राज्यों में होंगे। यहाँ डिटेल्स देख सकते हो आप, आपकी स्क्रीन पे है, सभी राज्यों में सेंटर होंगे। सभी राज्यों के जो जिले हैं, जो मेन मेन जिले हैं जहाँ एग्जाम के लायक जिला है या डिस्ट्रिक्ट है, उसमें आपका, जैसे हम बात करते हैं सीधे तौर पर राजस्थान की, तो अभी राजस्थान के एग्जाम सेंटर कहाँ होंगे, राजस्थान के एग्जाम सेंटर कहाँ होंगे, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर और उदयपुर, तो यहाँ आपके एग्जाम सेंटर होंगे। तो फॉर्म जरूर अप्लाई करें। बात कर लेते हैं पंजाब की। तो पंजाब अमृतसर देख सकते हो, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, इसमें पठानकोट, ये हैं इसमें प्रथम पेज की जो एग्जाम होगी, मतलब दो एग्जाम होगी, प्रथम पेज की जो सेंटर है वो आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो। डिटेल्स आपको इसी वीडियो में पूरी मिल जाएगी इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में। और यहाँ देख सकते हैं हम बात करते हैं हरियाणा के, तो हरियाणा अंबाला हो जाएगा, फरीदाबाद हो जाएगा, गुरुग्राम हो जाएगा, करनाल हो जाएगा, कुरुक्षेत्र हो जाएगा, पानीपत हो जाएगा, यमुना नगर आपके सेंटर हो जाएंगे। हरियाणा के कैंडिडेट्स के लिए ये सेंटर है। अब बात करते हैं यदि आप फर्स्ट एग्जाम में पास होते हो और सेकेंड एग्जाम में आपका सेंटर कहाँ होगा, तो सेकेंड एग्जाम के सेंटर यहाँ देख सकते हो फेज टू के दिखाए गए, पेज टू के दिखाए गए यहाँ देख सकते हो। सीधे हम तौर पर आपको राजस्थान ले चलते हैं, फिर राजस्थान में जयपुर,
जोधपुर और उदयपुर तीन सेंटर दिए गए सेकंड एग्जाम के, जो सेकंड एग्जाम होगी फर्स्ट सेकंड की, फर्स्ट है सभी जिलों में है बट यहाँ सेकंड एग्जाम में तीन ही सेंटर आपको मिल रहे हैं राजस्थान में। और जो उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में देहरादून सेंटर होगा आपका, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर आपके एग्जाम सेंटर होंगे। तीन तीन सेंटर दिए गए हैं, जहां अधिक कैंडिडेट्स आएंगे वहां तीन सेंटर, और उसके बाद में एक दो सेंटर आपको मिल रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल में केवल आपका एक सेंटर होगा, और दिल्ली एनसीआर में दिल्ली, न्यू दिल्ली एंड नोएडा ये एग्जाम सेंटर होंगे, ठीक है मित्रों। और यहाँ देख सकते हो इसमें फेज पेपर फोर्थ नंबर यहाँ देख सकते हो और भी डिटेल्स। और अभी हम बात करते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो यहाँ नॉर्थ जोन है, जो इसकी जोन संबंधी डिटेल्स आप इस पीडीएफ में देख सकते हो। और एज की जो गणना की जाएगी वो की जाएगी 1 जनवरी 2019 से, ठीक है। एक एज की जो गणना की जा रही है 1 जनवरी 2019 से की जा रही है, और हम डिटेल्स आपको दिखा देते हैं इसमें, उसके बाद में हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे फोकस डाल लेते हैं। अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे जो है योग्यता संबंधी डिटेल्स हैं आपके पास, यहाँ देख सकते हो एसजी थर्ड के लिए आपको डिपुट की यहाँ वैकेंसी मिल रही है, और इसमें जो योग्यता रखी गई ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी यूनिवर्सिटी से, एनी सब्जेक्ट से यदि आपने ग्रेजुएशन की है, और इसमें कंप्यूटर अनिवार्य हो, इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट वैकेंसी आपकी टेक्निकल की है, बीएससी इन एग्रीकल्चर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो संबंधित यूनिवर्सिटी से यदि आपने बीएससी की है तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हो अकाउंटेंट के लिए बैचलर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो यहाँ आपको इसमें भी बीकॉम यदि आप कॉमर्स से यदि आपने सब्जेक्ट से किसी भी विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन की है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हो काफ़ी इसमें ये हुआ कि आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो होगी ग्रेजुएशन लेवल की, यानी कि स्नातक यदि आपने कर रखी है तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हो टाइपिस्ट हिंदी की ग्रेजुएशन डिग्री होनी है आपके पास, और प्रति मिनट वर्ड आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड, ये डिटेल्स देख सकते हो, हम आपको बताएंगे तो काफ़ी लंबा ये वीडियो हो जाएगा। इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोटिफिकेशन का भी लिंक आपको मिल जाएगा, आप ये वहाँ से ये इस भर्ती प्रक्रिया की सिलेबस और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। अब हम सीधा आपको इसकी लास्ट डेट दिखा देते हैं, अभी स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन संबंधी डिटेल्स दिखाई गई है, और सीधा हम आपको यहाँ दिखा देते हैं एफसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट। मैंने पहले भी बता दिया है कि केवल ये ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, www.fci.government.in। अदर वेबसाइट से यदि आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट केवल ये ही आपको वहाँ मिलेगी। तो ऑफिशियल वेबसाइट आपको गूगल में लगाना है, और आपकी जो फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगी वो हो जाएंगे मित्रों 23 फरवरी से, 23 फरवरी से, अभी तक फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ, 23 फरवरी से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा आपका, और जिसकी लास्ट डेट रहेगी 25 मार्च। 25 मार्च ही सेम डे क्लोज रखी गई है एप्लीकेशन फीस की, और सेम डे क्लोज हो जाएगा ये ऑफिशियल ऑनलाइन का लिंक। तो आप 25 मार्च से पहले पहले ये फॉर्म कंप्लीट करना है आपको, आप यानी कि 23 मार्च से, 23 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है तो आपको फॉर्म भर देना है, 25 फरवरी से ही फॉर्म आपको भर देना है। तो ये था आज का हमारा लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन जो निकल रहा था एफसीआई से। ऐसे ही लेटेस्ट जॉब पाने के लिए हमारे चैनल संदीप ज्ञान को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और दबाइए बेल आइकन को ऐसे ही प्रति संबंधी जानकारी सबसे पहले देखने के लिए।